वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। आपका आधार आपकी आइडेंटिटी, जो आपकी पहचान है, लेकिन जब आपके उसी आधार को कोई और इस्तेमाल करे तो आपको सतर्क होना पड़ता है। आपकी ज़रूरत के हिसाब से आधार कार्ड कई जगह इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसके मिसयूज़ का खतरा लगा रहता है। लेकिन आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल कहीं और तो नहीं हो रहा है। ये पता लगाने का एक आसान तरीका है कि आधार कार्ड की हिस्ट्री की जांच की जाए। आधार की संस्था UIDAI के जरिए आप समय समय पर अपने आधार की हिस्ट्री देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपका आधार कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI.government.in पर जाना होगा। होम पेज पर माई आधार का विकल्प दिखेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री या आधार प्रमाणीकरण इतिहास पर क्लिक करें। अब आगे कॉलम मिलेगा, इसमें अपना आधार कार्ड नंबर भरें और फिर कैप्चा डालें। इसके बाद OTP ऑथेंटिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP मिलेगा। रिक्वायर्ड जगह में OTP डालते ही आपके सामने एक नई टैब खुलेगी, जहां से आपके आधार कार्ड की सारी हिस्ट्री दिखाई देगी। आधार कार्ड की हिस्ट्री डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर यहां आपको कहीं ऐसी जगह पर आपके आधार कार्ड की एंट्री दिखाई दे जो आपने नहीं की है, तो उस पर तुरंत रिपोर्ट कराएं। बैंक, लोन, इंश्योरेंस, ऐसी कोई भी कंपनी आपसे आपके आधार की जानकारी मांगती है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको अपना आधार किसे देना है और किसे नहीं। जैसे कि किसी स्टोर, रेस्टोरेंट या जिम में आपसे आधार कार्ड की जानकारी मांगी जाए, तो आपको यहां इसे देने की जरूरत नहीं होती है। कई बार लोगों के पास बैंक के नाम पर कई ठगी करने वाले कॉल आते हैं और कुछ इस तरह कहते हैं कि आप अपनी EKYC करवा लीजिए, नहीं तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। ऐसे में लोग अपने आधार से जुड़ी सारी जानकारी शेयर कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बैंक आपसे कभी भी ऐसी जानकारी नहीं मांगता है। आधार के फ्रॉड से खुद को बचाने के लिए आप अपने आधार बायोमेट्रिक डाटा को लॉक भी कर सकते हैं। यूजर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UIDAI की वेबसाइट पर जाकर डाटा को लॉक और अनलॉक किया जा सकता है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।